13 महीने में 750 किसानों की कुर्बानी देने के बाद भी अगर समस्याएं हैं तो क्या पूरे देश के किसानों को एक साथ फांसी लगा लेनी चाहिए? पूरे जिले के से हर गांव से ट्रैक्टर आया है, कहीं कम हो या ज्यादा, लेकिन हर जिले से, पूरे जिले से, हरिद्वार जिले से, हर गांव से ट्रैक्टर आया है। किसानों की तो अनेक मांग है, यहाँ जो इतनी बड़ी आपदा ही, सरकार ने इसमें किसान के प्रति कोई भी सर्वे नहीं कराया, गांव ग्राउंड पर कोई सर्वे नहीं करा, कितना फसल का नुकसान हुआ उसका आकलन ही नहीं करा गया। इसी बैठ कर तहसील में पटवारियों ने, कानूगोर या यहाँ के तहसीलदार को कह लो, इन्होंने वहीं ऑफिसों में बैठ कर वह रिपोर्ट बनाई थी, ग्राउंड पर रिपोर्ट नहीं जाकर बनाई, जिस तक किसान का 70% नुकसान इस आपदा में हुआ। देश 1947 में आज़ाद हुआ था पर किसान आज भी गुलाम है, और किसानों की इतनी समस्याएं हैं भी, किसान के घर में पैदा होना ही एक समस्या है। अब ये जो संगठन अपने आंदोलन कर रहे हैं, यह आंदोलन अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे, जैसा आप कह रहे अग्नु को कोई मानने के लिए तैयार नहीं, एक दिन गुस्सा ऐसा फुटेगा अग्नु कदमों में होंगे और हम अपनी मांग मनवाओगे। हमने पहले भी मनवाई है, आज की बात नहीं है, 30 साल से संगठन चला रहे हम, आज की बात नहीं है, हमारी उम्र 68 साल है, जब हमारी इतनी बड़ी भीड़ है हमारे पल्लो, अब का यहाँ नहीं हम आंदोलन करेंगे, अब का या तो देहरादून या हरिद्वार डीएम के यहाँ करेंगे। सब चीज बाजारो तो कमाल बिके है, तेरे खूह की कमाई नीलाम छुटे है, और कहीं कौन टल किलोग्राम, कहीं जय बंगला के नाम, तू इन नेताओं को दे आता, खून तेरा मीठा है, खून तेरा मीठा है। इकबालपुर शुगर मिल में हरियाणा के किसानों का 32 करोड़ रुपए पेंडिंग है। मैं उत्तराखंड सरकार को ये कहना चाहता हूँ, अगर इकबालपुर शुगर मिल से पेमेंट नहीं दिलवा सकते तो हम सचिवालय में देहरादून में गन्ना बेचेंगे, और चाहे इसके लिए लोकसभा में हमें ट्राली से ट्राली अड़ानी पड़े, देश की दिल्ली में हम अपने हक और अधिकार लेकर लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय किसान रोड का ये आंदोलन जो अब शुरू हुआ है, ये शुरुआत है, अगर यहाँ से हमारी मांगे हुए सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी तो हम देहरादून रेल रोकने का प्रोग्राम, जेल भरने का प्रोग्राम करेंगे, मांगे तो हर हाल में माननी पड़ेंगी, पहले भी मनवाई हैं, हमने जेल भरो आंदोलन भी शुरू करा है, लाठी चार्ज में लाठियां भी खाई हैं, और भारतीय किसान यूनियन कमजोर नहीं है। 2024 में कोई नहीं वो उसकी सहायता जो हमारा काम करेगा, हाँ ये नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं, हम उसके उसका साथ देंगे जो किसान का साथ देगा। जो सरकार होती है उसके उससे ही मांग करी जाती है और उसके साथ ही लड़ाई लड़ी जाती है। ये किसान गैर राजनीतिक संगठन है, हम सारे के सारे अपनी मांग मनवाने के लिए, जब सरकार बहरी और गूंगी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो हम इन शब्दों का प्रयोग करने पर, अगर यह सरकार नहीं चेतती, इसके कान पर जू नहीं रेंगती तो हम यहाँ से किरत सिंह और हम दोनों मिलकर देहरादून कूच करेंगे, मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। हरियाणा के किसान भी आ रखे हैं, और पूरे आप पदम सिंह रोड को अकेला मत समझो, प्रशासन इस गलती में ना रहे, अगर आज सारे किसान संगठन जो हमने भी जो ज्ञापन दिया था महीना पहले, आज उन सारे मांग पत्रों का जो राकेश टिकैत जी ने दिया था, गुलशन जी ने दिया था और पदम सिंह जी ने दिया था, सबका हिसाब आज ऑन टेबल करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो चुनाव नज़दीक है, नहीं मानेंगे तो भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे किसान प्रमुख, चौकीदार को टक्कर देगा किसान, शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देगा किसान। 13 महीने में 750 किसानों की कुर्बानी देने के बाद भी अगर समस्याएं हैं तो क्या पूरे देश के किसानों को एक साथ फांसी लगा लेनी चाहिए? किसान की धरती पे कोई सुनने वाला नहीं है, किसान खुद लड़ेगा और जीतेगा। अरे सारे काम के कट्टे होके जा रहे लोग लुगाई, मैं दीपिया जी देखकर चालो नेता की बड़ी रैली, तो मैं खोलूं दिल का पिटारा, दिखा दे मेरे बाल मां रैली का नजारा।